कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य जहां बीजेपी की सरकार थी, अब वो भी उनसे छिन गई है। दक्षिण भारत से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो चुका है। इस चुनाव में कई ऐसे मुद्दे रहे जिसने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। उसमें एक बड़ा मुद्दा था मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना। कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी करीब 13% से ज्यादा है। राज्य में लगभग 20 से 23 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोट काफी महत्वपूर्ण है। मुस्लिम समुदाय से पिछली बार केवल 7 विधायक चुनाव जीत कर आए थे और वो सभी कांग्रेस पार्टी से ही थे। इस बार के चुनाव की बात करें तो कर्नाटक के 9 मुस्लिम बहुल सीटों के रुझानों में 8 सीटों पर कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार काफी आगे निकल गए थे। साफ नजर आ रहा है कि इस बार भी कर्नाटक में मुस्लिमों ने कांग्रेस का ही साथ दिया है और इसमें बहुत हद तक चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की आरक्षण को लेकर फैसले ने भी कांग्रेस को बड़ा बूस्ट दे दिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण बड़ा मुद्दा शुरुआत से ही बन गया था। भाजपा शासित राज्य सरकार ने जहां मुसलमानों को मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर दिया था, मुंबई सरकार ने इसके साथ ही राज्य के लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय के आरक्षण को 2-2% बढ़ा दिया था। बीजेपी के नेताओं ने खुले तौर पर कहा था मुस्लिम आरक्षण बहाल नहीं होगा। जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम 6% मुस्लिम रिजर्वेशन लाएंगे, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को कि 6% मुस्लिम रिजर्वेशन दोगे तो किसका कम करोगे? लिंगायत का कम करोगे क्या? आदिवासियों का कम करोगे? दलितों का कम करोगे? अरे आप समझ कर चलो शिव कुमार जी, ना आप जीतने वाले हो ना लिंगायत का रिजर्वेशन कम होने वाला है। एक और डोमिनियन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है। आपने देखा होगा इन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सत्ता में आने पर इसे बहाल करने का वादा किया था। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार के कदम को असंवैधानिक करार देते हुए कहा था कि वो सोचते हैं कि आरक्षण को संपत्ति की तरह बांटा जा सकता है, मगर ये संपत्ति नहीं है, ये उनका अधिकार है। हम नहीं चाहते कि उनका 4% खत्म हो और किसी भी बड़े समुदाय को दे दिया जाए। वो हमारे भाई और परिवार के सदस्य हैं। शिवकुमार ने दावा किया था कि वोकालिंगा और वीरशैव लिंगायत समुदाय के लोगों ने इस ऑफर को खारिज कर दिया है। उन्होंने विश्वास जताते हुए तभी कहा था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और हम इस बदलाव को खत्म करेंगे। कांग्रेस लीडर ने कहा था कि मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट से हटाने का कोई अधिकार नहीं है। शिवकुमार ने बसवराज बोम्मई सरकार पर भावनात्मक मुद्दों को उठाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया था। शिवकुमार ने यहां तक कहा था कि पार्टी अध्यक्ष के रूप में मैं घोषणा करना चाहता हूं कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही कोटा बहाल करने पर फैसला लिया जाएगा। बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिमों को मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर बड़ा दाव खेला था, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। दावा किया जा रहा है कि आरक्षण के इस बदलाव ने मुस्लिमों के साथ साथ बंजारा समुदाय को भी नाराज कर दिया। बीजेपी को ऐसा करना भारी पड़ गया और मुस्लिमों ने कांग्रेस की झोली भर दी।